प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग व्यक्तित्व के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग ये जान चुके हैं कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बात बहुत कम करता है, कोई व्यक्ति बात बहुत ज्यादा करता है, कोई व्यक्ति बहुत हंसमुख है, कोई व्यक्ति हमेशा गुमसुम रहने वाला है, किसी व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है, कोई व्यक्ति गोल मटोल है, कोई व्यक्ति पतला दुबला है, तो ये सब चीजें क्या है मनुष्य का व्यक्तित्व प्रदर्शित करती है, जिसके बारे में कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस टाइप का जो व्यक्तित्व है, इस टाइप की जो पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचानने के लिए हम कैसे पहचानेंगे कि कौन व्यक्ति, अगर हम जुंग का क्लासिफिकेशन देखें तो जुंग महोदय ने व्यक्तित्व को तीन तरह का बताया था। ये बताया था इंट्रोवर्ट, दूसरा एक्सट्रोवर्ट और तीसरा एम्बिवर्ट। तो तीन तरह का जो व्यक्तित्व है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। हमें ये तो पता चल गया है कि अंतर्मुखी क्या है और बहिर्मुखी क्या है और उभयमुखी क्या है, लेकिन अब बात इस चीज की है कि हम उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उभयमुखी कौन लोग होते हैं, अंतर्मुखी कौन लोग होते हैं और बहिर्मुखी कौन होते हैं। तो इन सब चीजों के लिए, व्यक्तित्व की पहचान करने के लिए, मनोविज्ञान के अंतर्गत, साइकोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे मापन के यंत्र हैं, मापन की तकनीकें हैं, जिनको कि हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का मापन। कि हम पर्सनैलिटी का मापन कैसे करते हैं, व्यक्तित्व का मापन कैसे करते हैं, आज हम इसी विषय पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। हम लोग व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को नापने के लिए जो विभिन्न तरह के जो मेथड है, विभिन्न तरह की जो विधियां हैं, विभिन्न टाइप के जो मेजरमेंट्स हैं, उसको अगर हम एक सामान्य रूप से अगर हम उसको क्लासिफाई करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि वो तीन तरह के होते हैं। पहला जो मेथड है वो होते हैं सब्जेक्टिव मेथड्स, दूसरे होते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड्स और तीसरे तरह के होते हैं प्रोजेक्टिव मेथड्स। सब्जेक्टिव मेथड वो मेथड होते हैं, वो तरीके होते हैं, वो विधियां होती है जिनमें कि व्यक्ति अपने आप के विषय में ऑब्जर्व करता है, यानी स्व के बारे में है, वो अपने बारे में रिकमेंडेंसी देता है, अपने बारे में जानकारियां उपलब्ध कराता है और दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में एक डाटा कलेक्ट करता है। तो इस टाइप के जो मेजरमेंट है, इस टाइप के जो टूल्स हैं, इस टाइप की जो विधियां हैं, उनको हम सब्जेक्टिव तरह की विधियां कहते हैं। दूसरे होते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड्स, यानी ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पर्सनैलिटी के जो मेजरमेंट के जो यंत्र है, जो टूल्स हैं, उसके अंतर्गत हम जो व्यक्ति है उस स्व का निर्धारण वो व्यक्ति स्वयं नहीं करता है, सेल्फ के बारे में, यानी उसके बारे में वो स्वयं अपने बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं कराता है, बल्कि दूसरे व्यक्ति, दूसरे लोग उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारियां एकत्रित करते हैं। और तीसरे तरह की जो विधियां हैं वो है प्रोजेक्टिव मेथड्स, यानी प्रक्षेपित विधियां। इनके अंतर्गत ये इस टाइप के रहते हैं कि आपके सामने बहुत सारी चीजें सामने रखी जाती हैं, प्रोजेक्ट उनको किया जाता है और इंडिविजुअल को उसके बारे में अपने कमेंट्स देने होते हैं, अपनी राय देनी होती है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी होती है। तो ये तीन तरह के जो मेथड है, इनके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। अगर हम पहले तरह के जो विधियां हैं उनके बारे में अगर हम कहें, सब्जेक्टिव मेथड, इसके अंदर जो मेन है वो है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और केस स्टडी। बड़ी सामान्य सी है, आपने सामान्य रूप में सुना होगा कि ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है या इंटरव्यू हो रहा है किसी चीज का, या हम किसी व्यक्ति की क्या है केस स्टडी हम उसकी करते हैं। केस स्टडी में हम क्या है, किसी के बारे में पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में क्या है, हम उसकी जानकारियां प्राप्त करते हैं। पर्सनालिटी मेजरमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण विधियां हैं वो है ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ऑब्जेक्टिव मेथड्स की अगर हम देखेंगे, रेटिंग स्किल है, उसके बाद इन्वेंट्री और क्वेश्चनियर्स हैं, और तीसरे हैं सिचुएशन टेस्ट। ये तीन तरह के जो टेस्ट हैं, इनमें जो पहले टाइप का है, रेटिंग टाइप का है, इसमें व्यक्ति के विभिन्न तरह के जो एस्पेक्ट है, विभिन्न तरह के उसके जो पहलू है, उनके बारे में हम रेटिंग करते हैं, उनको एक क्रम देते हैं, उनको एक सीरियल देते हैं।
दूसरे तरह का जो है इन्वेंट्री और क्वेश्चनियर से है, तीसरे तरह के सिचुएशन टेस्ट है। सिचुएशन टेस्ट के अंतर्गत एक सिचुएशन आपके सामने क्रिएट की जाती है, जिसके अंतर्गत अगर आपने सुना होगा तो सोशियोमेट्री और सोशियो ड्रामा जो मेन है उनका हम इसमें डिस्कशन करते हैं। और जो तीसरे तरह का है प्रोजेक्टिव जो मेथड है उसके अंदर सबसे पहले है एसोसिएशन टेक्निक्स, दूसरी है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, तीसरी है कंप्लीशन टेक्निक्स, और उसका है नेक्स्ट है ऑर्डरिंग टेक्निक, और नेक्स्ट जो लास्ट है वो है एक्सप्रेशन टेक्निक। जैसे कि नाम से आप स्पष्ट हो रहा है, फर्स्ट वाला है एसोसिएशन टेक्निक्स। इस टेक्निक के अंतर्गत जो भी चीजें हैं, जो भी चीजों का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है किसी इंडिविजुअल के बारे में, तो वहां पर हम क्या है बहुत सारी चीजों को प्रदर्शित करते हैं। पहले वाले में एसोसिएशन टेक्निक के अंतर्गत उस व्यक्ति को, उस इंडिविजुअल को, उन बहुत सारी चित्र को, उन बहुत सारी वस्तुओं को एकत्र करना होता है, उनको एसोसिएट करना होता है। दूसरे तरह का कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, इसमें आपको कोई टास्क दिया जाता है जिसमें कि आपको विभिन्न तरह के जो चित्र हैं, जो बातें हैं, जो शब्द आपको कहा जाता है, जो चित्र आपको दिया बोला जाता है, उसका आपको क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन करना होता है। तीसरे तरह का कंप्लीशन टेक्निक्स। कंप्लीशन टेक्निक्स में बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी चित्र है, सपोज कोई फिगर है, उसको आधा छोड़ दिया जाता है, उसको आपको कंप्लीट करना होता है। कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस को आधा छोड़ दिया जाता है, आपको उसको पूरा करना होता है। इस तरह की जो आधे अधूरे जो चित्र हैं, जो कहानियां हैं, उनको इंडिविजुअल को पूरा करना होता है। और नेक्स्ट है ऑर्डरिंग टेक्निक। इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, वो आपको दी जाती हैं, बहुत सारे अगर सेंटेंस है वो आपको दिए जाते हैं, आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में उन सबको अरेंज करना होता है। और लास्ट वन इसमें एक्सप्रेशन टेक्निक, कोई चीजें हैं उनको आपको क्या है एक्सप्रेस करना है, उनकी आपको व्याख्या करनी। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं, इन मेथड्स के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंडिविजुअल के व्यक्तित्व को जान सकते हैं कि ये किस तरह का व्यक्ति है, इनकी अभिरुचियां क्या है, इनकी अभिव्यक्तियां क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, और क्या ये जानना चाहते हैं, किस तरह का इनका नेचर है। तो ये विभिन्न विधियां हैं। इनमें हम सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो मेथड्स है वो पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, और अमूमन हम उनको ही यूज करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो दो बातें मेन चीजें होती हैं, एक होती है आपकी रिलायबिलिटी और दूसरी होती है वैलिडिटी, विश्वसनीयता और वैधता। कोई भी हमारा टूल होता है, कोई भी मेजरमेंट का हम जो यंत्र है, जो मापन यंत्र यूज कर रहे हैं, दो चीजों को हम ध्यान में रख करके, एक तो उसकी विश्वसनीयता बहुत होनी चाहिए और दूसरी उसकी क्या है, वैधता होनी चाहिए। विश्वसनीयता और वैधता आप सब लोग भलीभांति जानते हैं कि जो भी हम टास्क दे रहे हैं वो एक तो विश्वसनीय होना चाहिए, जो भी हमारा रिजल्ट आए, जिसके थ्रू, जिस टूल के थ्रू हम काम कर रहे हैं और जिसको हम यूज कर रहे हैं, हमारा वो टूल क्या है, बहुत ही विश्वसनीय होना चाहिए। और दूसरी चीज उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, वो क्या है, वैध होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो मेथड्स है उनकी रिलायबिलिटी और उनकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम पर्सनैलिटी चेक करने के लिए या अन्य जितने भी जो हमारे जो टूल्स हैं उनके कंपैरिजन में हम क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो टूल्स हैं उनको हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उनकी वैलिडिटी और उनकी रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो मेथड्स हैं उसमें हम ये तीन तरह के जो टूल है इनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहला है रेटिंग स्केल, दूसरा है इन्वेंट्री और क्वेश्चनियर, और नेक्स्ट है इसमें हमारा सिचुएशन टेस्ट। तो फर्स्ट वन है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल निर्धारण मापनी, निर्धारण मापनी का प्रयोग प्रायः यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपने साथियों अथवा अपने परिचितों के समक्ष अपने व्यक्तित्व के संबंध में क्या छवि या छाप छोड़ता है। निर्धारण मापनी वास्तव में किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा, उसकी तीव्रता तथा बारंबारता के संबंध में अन्य व्यक्तियों के आंकलन को प्राप्त करने का एक सरल साधन है। किसी व्यक्ति के अंदर ये हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत सारी जन्मजात प्रवृत्तियां विद्यमान होती है। जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी गुण है, वो हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं, जन्म से विद्यमान होते हैं। बस आवश्यकता होती है उन गुणों को प्रदर्शित करने की, उन गुणों को सामने निकालने की, उन गुणों को प्रकट करने की। अब कोई व्यक्ति, देखिए एक एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति है वो बहुत अच्छा गाता है,
अब ये माना जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत, ये माना जाता है कि हर व्यक्ति के अंतर्गत, हर व्यक्ति के अंदर क्या है, गाने की कला है, गाने की क्षमता है, गाने का गुण क्या है उसके अंदर विद्यमान है। लेकिन एक व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गाता है और दूसरा व्यक्ति क्या है, बहुत अच्छा गाना नहीं गा पाता है, क्योंकि उसके उस गुण का विकास क्या है, बहुत ज्यादा हुआ है। अब हमको ये चेक करना है कि किसी व्यक्ति के अंदर गाने की क्षमता, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो कि बहुत अच्छा गाता हो लेकिन उसने कभी गा करके नहीं देखा है, कभी उसने अपने अंदर जो गुण है उस गुण की अभिव्यक्ति क्या है वो कभी नहीं कर पाया है, लोगों ने उसके गुण को नहीं पहचान पाया है। तो ये जो रेटिंग स्केल है, ये व्यक्ति के अंतर्गत, जो व्यक्ति के अंदर जो उपस्थित गुण है उनकी मात्रा, उनकी तीव्रता और उनको, उनकी बारंबारता को नापने का क्या है, एक साधन है। इसके द्वारा हम व्यक्ति के अंतर्गत जो गुण है उन गुणों की हम क्या है, अभिव्यक्ति जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि किस व्यक्ति के अंदर कौन से गुण विद्यमान है। रेटिंग स्केल भी बहुत तरह के होते हैं। अगर हम रेटिंग स्केल की बात करें, क्योंकि जैसा कि इसके नाम से ही है कि रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी, हमको निर्धारण करना है कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण कितनी मात्रा में है, उसकी तीव्रता क्या है, उसकी बारंबारता क्या है। तो इसके जो टूल्स हैं निर्धारण मापनी के अंतर्गत भी बहुत सारे टूल्स हैं। इसमें फर्स्ट है चेकलिस्ट, सेकेंड वन आंकिक निर्धारण मापनी, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, तीसरा है ग्राफिकल रेटिंग स्केल, ग्राफिकल निर्धारण मापनी, नेक्स्ट है क्रमिक निर्धारण मापनी, रैंकिंग रेटिंग स्केल, नेक्स्ट स्थिति निर्धारण मापनी, पोजिशनल रेटिंग स्केल और फोर्स चॉइस रेटिंग स्केल। इनके बारे में हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं कि चेकलिस्ट के अंतर्गत जो ये रेटिंग स्केल के जो टाइप है चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के अंतर्गत जनरली क्या होता है कि हमारे पास किसी व्यक्ति के बहुत सारे जो गुण है उन गुणों की क्या है एक लिस्ट रहती है और हम उसको चेक करते हैं। अभी हम आगे एग्जांपल के द्वारा इसको भलीभांति समझ पाएंगे। नेक्स्ट है आंकिक निर्धारण, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। इस स्केल के तहत हम व्यक्ति के अंतर्गत जो गुण है उनकी मात्राओं को चेक करने के लिए हम उनको नंबर देते हैं न्यूमेरिकल में कि कौन सा गुण किस व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा है और कौन सा गुण सबसे कम है। ग्राफिकल निर्धारण में हम व्यक्ति के अंदर जो विद्यमान गुण है उन गुणों का ग्राफ के द्वारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम उसका करते, ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं कि किसके अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर कौन सा गुण सबसे ज्यादा है और कौन सा गुण सबसे कम है। इसी ढंग से रैंकिंग रेटिंग स्केल, व्यक्ति के अंदर विद्यमान जो गुण है, जो क्वालिटीज है, जो उसकी विभिन्न तरह की जो उसकी शक्तियां हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, उसकी कैपेबिलिटीज है, उसकी पोटेंशियलिटीज है, उनको निर्धारण हम क्या है रैंक के आधार पर करते हैं कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सी क्षमता सबसे ज्यादा है और कौन सी क्षमता उसके अंदर सबसे कम है। इसी ढंग से पोजिशनल रेटिंग स्केल कि किसी के अंदर किसी गुण की स्थिति क्या है, कौन सा गुण सबसे ज्यादा है, कौन सा गुण सबसे कम है। और जो लास्ट वन है इसमें फोर्स चॉइस रेटिंग स्केल, बाध्य चयन निर्धारण मापनी। ये थोड़ा सा डिफरेंस अन्य जो हमारे रेटिंग स्केल्स है उसके कंपेरिजन में फोर्स चॉइस रेटिंग स्केल थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहता है। इसमें हम किसी व्यक्ति के सामने कोई ऑप्शन देते हैं, चार ऑप्शन देते हैं, उन चार में से व्यक्ति को एक ऑप्शन का चयन करना होता है, उसका चयन करने के लिए वो बाध्य है। ऐसी स्थितियां हो सकती है कि किसी व्यक्ति के, सपोज है हम किसी व्यक्ति के सामने एक क्वेश्चन रखते हैं कि आपको निम्नांकित में से कौन सी चीज सबसे पसंद है, चाय पीना, खाना खाना, घूमना या जूस पीना। हो सकता है किसी व्यक्ति को इन चारों में से कोई भी चीज पसंद ना हो। जो हमने चार ऑप्शन व्यक्ति को दिए हैं किसी इंडिविजुअल को जानने के लिए, उसके गुणों को जानने के लिए हमने उनके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हो सकती है कि उस व्यक्ति को वो चारों ही गुण जो हमने उनको दिए हैं वो चारों ही चीजें उसको पसंद ना हो। लेकिन इस टेक्निक के तहत वो क्या है, इन चारों में से एक का चयन करने के लिए बाध्य है, मजबूर है कि उसको कोई ना कोई अपनी एक च्वाइस देनी है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है फोर्स च्वाइस रेटिंग स्केल। जो हमने एक च्वाइस दी है उस च्वाइस में से इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना है कि उनकी पसंद। अब हो सकता है कि जो हमने चार ऑप्शन दिए हैं वो उनकी पसंद नहीं है, लेकिन उनमें से कोई ना कोई उस व्यक्ति की पसंद अवश्य होगी, चाहे उसकी मात्रा कम ही क्यों ना हो। तो ये हमने जो चेकलिस्ट है, जो रेटिंग स्केल है उसके जो डिफरेंट टाइप है, चेकलिस्ट हो गया, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल हो गया, ग्राफिकल रेटिंग स्केल है, रैंकिंग रेटिंग स्केल है, पोजिशनल रेटिंग स्केल है और फोर्स च्वाइस रेटिंग स्केल है।
इस बार हम वन बाय वन कोशिश करेंगे कि इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चेकलिस्ट की सहायता से किसी व्यक्ति में उपस्थित अथवा अनुपस्थित गुणों को ज्ञात किया जाता है। देखिए, ध्यान देने की बात है कि व्यक्ति में उपस्थित अथवा अनुपस्थित गुणों, जैसे कि हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि हर व्यक्ति में जन्मजात प्रवृत्तियां विद्यमान रहती है। जन्म से उसके अंतर्गत, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे जो गुण है, लगभग सारे गुण हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वो उन गुणों का प्रदर्शन कितने अच्छे रूप में अभिव्यक्ति वो उन गुणों की करता है। हर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता है, लेकिन खेलने का गुण क्या है, सबके अंतर्गत विद्यमान है। हर कोई व्यक्ति क्या है, उसेन बोल्ट नहीं बन सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर क्या है, दौड़ने की क्षमता विद्यमान है। हर कोई व्यक्ति लता मंगेशकर नहीं बन सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर क्या है, गाने की क्षमता विद्यमान है। इसलिए यहां पर यह शब्द का प्रयोग किया गया है, उपस्थित अथवा अनुपस्थित गुणों को ज्ञात किया जाता है। चेकलिस्ट में प्रायः कुछ कथन दिए हुए होते हैं जो मापे जाने वाले गुणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का संकेत करते हैं। निर्धारक को किसी व्यक्ति के संबंध में यह निर्णय करना होता है कि चेकलिस्ट में दिए गए कथन उस व्यक्ति के संदर्भ में सही है अथवा गलत है। चेकलिस्ट का मीनिंग हम लोग एकदम क्लियर हो गया है कि ये इस टाइप का एक लिस्ट होती है जिसमें कि कुछ कथन दिए होते हैं जो कि उस इंडिविजुअल जो कि इसको भर रहा है, इस चेकलिस्ट को भर रहा है, उसके बारे में, उसके अंदर जो गुण है वो उपस्थित है या अनुपस्थित है उसका संकेत करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं कि उसके अंदर कौन सा गुण विद्यमान है और कौन सा गुण उसके अंदर विद्यमान नहीं है। अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल है चेकलिस्ट का, टीचर पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेकलिस्ट। इसका हमने जो नाम दिया गया है, इस चेकलिस्ट का जो नाम दिया गया है वो है टीचर पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेकलिस्ट। ट्रेट्स मीन्स गुण, यानी अध्यापक के गुणों का, जो व्यक्तित्व का जो गुण है उनकी चेकलिस्ट है। आप ध्यान से पढ़ें, देखिए निर्देश दिया गया है, व्यक्ति के गुणों की एक सूची दी गई है, प्रत्येक व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व के संबंध में कोई ना कोई धारणा बना लेता है। आप अपने कक्षा अध्यापक के सतत संपर्क में है, इसलिए उनके व्यक्तित्व के संबंध में कोई ना कोई धारणा आपने अवश्य बनाई होगी। आपके विचार में आपके अध्यापक में निम्न में से जो गुण विद्यमान है उनके आगे सही का निशान लगा दे और जो नहीं है उनके आगे आपको क्रॉस का निशान लगा। ये निर्देश दिए गए हैं, एक चेकलिस्ट है, एक लिस्ट में बहुत सारी क्वालिटीज लिखी गई हैं, मोर देन 100 क्वालिटीज लिखी गई हैं, और ये माना गया है कि जो बच्चे हैं, बच्चे निरंतर अपने अध्यापक के संपर्क में रहते हैं, वो भली भांति जाते हैं कि जो आपके कक्षा अध्यापक है, जो आपके विषय के अध्यापक है, उनके अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान है। तो आपको ये चेक करना है कि आपके टीचर के अंदर कौन से गुण है और कौन से गुण नहीं है। जो गुण आपके अध्यापक के अंदर है उसके आगे आप सही का निशान लगाएंगे, और जो गुण आपके अध्यापक के आगे नहीं है उसमें आप क्या है, क्रॉस का निशान लगाएंगे। आप इसमें अपना नाम लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिख देंगे जिनके गुणों के बारे में आप क्या है, नीचे सूचनाएं दे रहे हैं। इस टाइप का जो चेकलिस्ट होती है, ट्रेट चेकलिस्ट जो होती है, ये किसी तरह का जो भी हम क्वेश्चन भरवाते हैं उसमें जो भी बातें, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं छात्र छात्राएं देते हैं उनको बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप, आपके अध्यापक अंदर कुछ अवगुण हो, आप उनको अभिव्यक्त करना चाह रहे हो, तो आपके जो रिजल्ट हैं, आपके द्वारा दिए गए जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को क्या है, एकदम गोपनीय रखा जाता है, किसी के सामने इसको उजागर नहीं किया जाता है। और आपके द्वारा दी गई सूचनाओं से कि हम क्या है, जो आपके कक्षा अध्यापक है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके ट्रेट्स के बारे में हम चेकलिस्ट तैयार कर पाएंगे। ये चेकलिस्ट आप देख पा रहे होंगे, पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, रेटिंग है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स है और इसकी रेटिंग है, दोनों के बारे में ये दिया गया है। पहला जो है इंटेलिजेंस। अब आपको लग रहा है कि आपके अध्यापक, आपके जो कक्षा अध्यापक है वो बुद्धिमान है, अगर वो बुद्धिमान है तो आप रेटिंग के सामने यहां पर सही का निशान लगाएंगे, अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो आप यहां पर क्या है, क्रॉस का निशान लगाएंगे। सोशिबिलिटी, वो सामाजिक है, लोगों से मिलते जुलते हैं, उनका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, अगर वो सामाजिक है तो आप यहां पर सही का निशान लगाएंगे रेटिंग के आगे, अगर वो सामाजिक नहीं है तो आप यहां पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। ऑनेस्टी, आपके कक्षा अध्यापक ईमानदार हैं,
अगर ईमानदार हैं तो आप यहां सही का निशान लगाएंगे, और यदि ईमानदार नहीं है तो आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। सिंपैथेटिक, वो सहानुभूति पूर्वक आपके साथ व्यवहार करते हैं, उनका जो व्यवहार है, उनका जो नेचर है वो सहानुभूतिपूर्ण रहता है। अगर उनका जो व्यवहार है वो सहानुभूतिपूर्ण है तो आप यहां पर सही का निशान लगाएंगे, और यदि नहीं है तो आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। स्ट्रॉन्ग विल, उनकी जो इच्छा शक्ति है, मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं। अगर आप एक अध्यापक, आप एक विषय अध्यापक मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं तो आप यहां पर सही का निशान लगाएंगे, और अगर नहीं है तो आप यहां पर क्रॉस करेंगे। तो इस टाइप से ये बहुत सारे ट्रेड्स हैं अध्यापक के अंदर, जितना कि हम एक इमेजिन करते हैं उतने ये गुण हैं अध्यापक के जो हमने यहां पर लिखे हुए हैं। और आपके कक्षा अध्यापक, आपके विषय अध्यापक के अंदर अगर ये गुण विद्यमान है तो आप रेटिंग में सही का निशान लगाएंगे, अगर उनके अंदर ये गुण विद्यमान नहीं है तो आप यहां पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो देखिए, जब हमारा ये क्वेश्चनियर पूरा हो जाता है तो इसके आधार पर हम अमुक व्यक्ति के, अमुक अध्यापक के, सपोज है हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों द्वारा क्या है, ये रेटिंग स्केल, ये चेकलिस्ट भरी गई है, और हम उसके आधार पर उनका एवरेज निकाल करके कि 100 बच्चों द्वारा, सपोज है पहला जो ट्रेट है, पहला जो गुण है वो इंटेलिजेंस का है, बुद्धिमत्ता का है, सपोज है 100 में से 80 बच्चों ने सही का निशान लगाया है, तो हम ये सिद्ध हो जाएगा कि आपके जो अध्यापक है, आपके जो कक्षा अध्यापक है, आपके जो विषय अध्यापक है वो क्या है, बुद्धिमान है, क्योंकि 100 में से 80 बच्चों ने चीज को प्रूव किया। तो इस आधार पर, इस तरह से हम एक चेकलिस्ट तैयार कर लेते हैं 100 बच्चों द्वारा क्या है, एक अध्यापक के ट्रेट्स के बारे में हमें विभिन्न सूचनाएं प्राप्त हो गई है, और इन सूचनाओं के आधार पर हम अमुक अध्यापक के ट्रेट्स की, उसके गुणों की क्या है, हम एक चेकलिस्ट तैयार कर लेते हैं, और उसके आधार पर हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि अमुक अध्यापक, जिसके बारे में कि हमने क्या है, बच्चों द्वारा ट्रेट चेकलिस्ट तैयार करवाई गई थी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो इंटेलिजेंट टाइप का है या सोशेबिलिटी टाइप का है या ऑनेस्टी टाइप का है या हम्बली है या वो जो है ना सिंपैथेटिक है या स्ट्रॉन्ग विल वाला है या एडजस्टिंग नेचर का है या वो क्रिएटिव है या वो एफेक्शनेट है या वो क्या है, करेजनेस उसके अंदर है, बहुत साहसिक है। तो हम इनके आधार पर, ये ट्रेट्स हैं जिनका कि हमने क्या है बच्चों से संग्रह किया है, वो बच्चे जो कि अध्यापक के निरंतर संपर्क में है उनके द्वारा हमने क्या है उस अध्यापक के विभिन्न गुणों का संकलन किया है, और उसके आधार पर हम क्या है किसी अध्यापक का, कक्षा अध्यापक है, आपके विषय अध्यापक है, कोई भी व्यक्ति है, हम उसकी पर्सनैलिटी का निर्धारण कर सकते हैं कि हमारे जो अमुक टीचर है, हमारे जो अमुक अध्यापक है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस टाइप का व्यक्तित्व रखते हैं। और उसी टाइप पे आप लोगों ने जनरली, आप लोग क्लास में सुनते भी होंगे, कई बार क्या होता है कि कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं कि क्लास में, जिनके क्लास में आते ही पूरी क्लास क्या है पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। बच्चे कहते हैं कि फलाने सर आ गए हैं, फलाने सर आ गए हैं, फलाने सर ये लेक्चर देने वाले हैं, वो ऐसे देने वाले, फलाने अध्यापक क्या बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कई अध्यापक ऐसे जिनको की जो क्लास में आते ही आपको बहुत डर लगता, अरे फलाने अध्यापक आ गए हैं, डांटेंगे पीट। तो ये क्या है, आपने एक एक तरह से इनडायरेक्टली आपने उनकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है उनको आपने चेक किया है, और उसके आधार पर आपने क्या है अपने अध्यापक की जो पर्सनैलिटी है उसका निर्धारण किया है। तो चेकलिस्ट एक बहुत ही अच्छा हमारा एक मेजरमेंट का एक एक तरीका है, एक टूल है, जिसके आधार पर हम क्या है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण बहुत आसानी से करते हैं। इसी ढंग से नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, अंकित निर्धारण मापनी, जिस ढंग से हमने चेकलिस्ट देखी है उसी ढंग से न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल में निर्धारक किसी व्यक्ति के संदर्भ में कथनों से सहमत होने अथवा असहमत होने की सीमा को अंकों की सहायता से प्रकट करता है। प्रायः इन अंकों को 3, 5, 7 आदि के सातत्व पर क्रमबद्ध कर दिया जाता है, जिसमें सबसे छोटा अंक निम्नतम और सबसे बड़ा अंक उच्चतम को इंगित करता है। ठीक इसी ढंग से जैसा कि हमने चेकलिस्ट में किया है, वैसे ही न्यूमेरिकल जो रेटिंग स्केल है इसमें भी क्या है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी टीचर के बारे में, किसी के भी बारे में हम क्या है कुछ कथन दे देते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहते हैं, और उन स्टेटमेंट्स के बारे में, सपोज है एक स्टेटमेंट है कि हमारे अध्यापक, हमारे कक्षा अध्यापक या फलाने या अमुक अध्यापक बहुत ही ईमानदार है। अब जो रेटिंग है उस रेटिंग में
जैसा हमने लिखा है कि रेटिंग में क्या है, जनरली 3, 5, 7 इस टाइप की रेटिंग दी जाती है। हम एक निर्धारण कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सपोज है पहला जो स्टेटमेंट है उसमें है कि अमुक अध्यापक अपना कक्षा कार्य, शिक्षण का जो कार्य है उसको बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। अगर वो आपने टिक किया है 1 नंबर पे तो इसका मतलब वो क्या है, बहुत कम होगा, वो निम्न सीमा होगी। और अगर सपोज हम 7 पॉइंट पे कर रहे हैं, 7 रेटिंग पे कर रहे हैं, 7 रेटिंग पे अगर हम कर रहे हैं, अगर आपने सबसे कम वाले में, सबसे कम ओबीएसटी 1 होगा और सबसे जो मैक्सिमम है वो 7 होगा, अगर आप 1 में टिक कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो कक्षा अध्यापक है वो पढ़ाने के मामले में लापरवाह है, वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं है, अपने कार्य के प्रति वो सिंसियर नहीं है, इसलिए आपने उनको 1 मार्क्स दिया है। और यदि आपके जो कक्षा अध्यापक है, आपके जो विषय अध्यापक है, वो शिक्षण के मामले में बहुत रुचि रखते हैं, बहुत ऑनेस्टी से पढ़ाते हैं, बहुत ही अपने काम के प्रति वो एकदम से ईमानदार है और कर्तव्यनिष्ठ है, तो आपने उनको अगर 7 मार्क्स दिया तो इसका मतलब क्या है, वो 7 रेटिंग में सबसे ऊपर। रेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको 1, 2, 3 भी कर सकते हैं, या आप उसको 5 में भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, आप 1, 2, 7 भी कर सकते हैं, आप -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4 भी कर सकते हैं, आप 0 से, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रेटिंग किस टाइप से निर्धारित करते हैं। लेकिन बेसिकली जो आप रेटिंग निर्धारित करेंगे वो 3, 5 या 7 अंकों में होनी चाहिए, जिससे कि एक मिड पॉइंट, एवरेज पॉइंट भी हमारे पास रहे, सामान्य औसत भी हमारे पास एक रहना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम आगे ये देख रहे हैं, पर्सनैलिटी रेटिंग ट्रेड्स एन एग्जाम्पल फॉर न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, स्केल रेटिंग स्केल का एग्जाम्पल है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, इस मापनी के द्वारा हम आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आप प्रत्येक कथन को पढ़ें तथा सोचिए कि यह कथन आपके लिए कितना सही है। अपने उत्तर को कथन के आगे अंकित 1, 2, 3, 4, 5 में से किसी एक पर घेरा बनाकर इंकित करें। सदैव सही होने पर 5, प्रायों के लिए 4, कभी कभी के लिए 3, बहुत कम के लिए 2 एवं नगण्य के लिए 1 पर घेरा लगे। अब आप देखिए, हमने यहां पर जो आगे जो हमने रेटिंग स्केल तैयार किया है, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल तैयार किया है, ये हमने 5 पॉइंट पे तैयार किया है, इसलिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 अंक दिए हैं। और आपकी जो व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी की कुछ विशेषताएं हमने इसमें लिखी हुई है कि आपके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। तो यहां पर निर्देश में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि यदि सपोज कोई स्टेटमेंट है वो आपके लिए हमेशा सही है, सदैव ऑलवेज राइट है, बिल्कुल सही है, वो आप पर एकदम फिट बैठता है, आप उससे 100% संतुष्ट है, तो आप 5 नंबर का जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है उसको आप गोल करेंगे। और उससे अगर आपको लगता है कि उससे थोड़ा सा कम है, कभी कभी हमने उसको नाम दिया है, तो आप कभी कभी के लिए आप प्रायो के लिए आप क्या है, 4 पर गोला करेंगे। और यदि आपको लगता है कि कभी कभी के लिए आप 3 पर गोला करेंगे, आपको लगता है कि बहुत कम जो विशेषता लिखी गई है वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत कम उपयोगी है, बहुत कम आपसे मैच खाती है, तो आप 2 को गोला करेंगे। और आपको ये लग रहा है कि जो गुण लिखा गया है, जो क्वालिटी लिखी गई है, वो आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी से वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही है, तो आप उसके लिए नगण्य के आगे जो 1 है आप उस पर गोला करेंगे। इसमें आपका नाम, दिनांक, आपका एड्रेस क्या है, ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये उस व्यक्ति से संबंधित, जिस व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं, उसके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं, उसको मापने के लिए ये व्यक्ति द्वारा क्या है, स्वयं भरी जाएगी, वो स्वयं क्या है, अपनी रेटिंग निर्धारित करेंगे। अब आप अगर यहां पे देखेंगे तो इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 तरह की विशेषताएं हैं, 1 से लेकर 100 तक। और आगे वाले कॉलम में हमने यहां पे रेटिंग निर्धारित की गई है 5, 4, 3, 2, 1 इस टाइप का ये रेटिंग दिया है। पहला जो है, मैं अपनी आवश्यकताओं से निराश हो जाता हूं। अभी पहला स्टेटमेंट है, ये विशेषता है कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं से आप क्या है, निराश। सपोज आपकी कोई नीड है, उन आवश्यकताओं से आप निराश हो जाते हैं। अगर ये स्टेटमेंट, ये क्वालिटी आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बिल्कुल फिट है और सदैव और हमेशा होता है कि मैं अपनी आवश्यकताओं से क्या हूं, मैं निराश हो जाता हूं, तो आप 5 के ऊपर गोला बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं प्रायः अपनी आवश्यकताओं से निराश हो जाता हूं, तो आप 4 के ऊपर गोला करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप कभी कभी अपनी आवश्यकताओं से निराश होते हैं, तो आप 3 के ऊपर गोला लगाएंगे। और आपको लगता है
आप कभी कभी है ना, आप होते हैं तो आप दो के ऊपर बोलने लगे और आपको लगता है कि आप कभी नहीं, ये स्टेटमेंट आप हमने अपनी आवश्यकता से आप कभी भी निराश नहीं होते हैं तो आप एक के ऊपर बोल रहे हैं। इसी से दूसरा क्वेश्चन है, मैं दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता हूं। ये एक गुण है, एक क्वालिटी है कि मैं दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता हूं। अगर आप हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं तो आप पांच के ऊपर गोला करेंगे, इसी क्रम में आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको लगता है कि आप कभी भी दूसरों की सहायता नहीं करना चाहते हैं, आप दूसरों की सहायता के लिए आप तत्पर नहीं रहते हैं तो आप एक के ऊपर घेरा लगाएंगे। तीसरा है, मैं अकेले रहना पसंद करता हूं। हो सकता है आप अकेले रहना पसंद करते हो, तो इस टाइप का जो गुण है अगर आपके अंदर है, आप हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं तो आप पांच के ऊपर घेरा बनाएंगे, और आप कभी भी अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं तो आप एक के ऊपर गोला बनाएंगे, एक को आप राउंड करेंगे। तो इस ढंग से जो ये न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है इसमें एक से लेकर के 100 क्वेश्चन दिए रहते हैं और उनके आगे ठीक इसी टाइप की रेटिंग रहती है, और जो भी गुण आपसे जैसी समानता करता है, आपसे जैसा मेल खाता है, आपके लिए जिस टाइप से वो उपयोगी है, आप उसके उसी नंबर के आगे आप क्या है गोला बनाते रहेंगे। और जब हमारे पास ये पूरे 100 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की जो रेटिंग स्केल है वो जब हमारे सामने आ जाएंगी तो इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन है वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। आपके जो गुण हैं, आपके जो ट्रेड्स हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, उनसे क्या है ये मिलते जुलते हैं। आप सपोज है आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, मैं अकेले रहना पसंद करता हूं, और इस टाइप के इससे मैचिंग वाले हो सकता है जो 100 तक की हमारी सीरीज है उसमें 15-20 क्वेश्चन इस टाइप को जो कि ये शो करते हैं कि आप अकेला रहना पसंद करते हैं। ओवरऑल जब लास्ट में हमारे पास आपकी रेटिंग स्केल जब हमारे पास आता है तो हम उसके आधार पर क्या है मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व तो कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। सपोज है इस टाइप के जो क्वेश्चन है, मैं अकेले रहना पसंद करता हूं, इस टाइप के इस जो रेटिंग स्केल है इसमें अगर 20 क्वेश्चन है और 20 में आपने 15-16 या 15 के ऊपर के क्वेश्चन को आपने 5 रेटिंग किया है तो इसका मतलब आपका जो व्यक्तित्व है वो क्या है इंट्रोवर्ट टाइप का है, आप अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति है। तो ये भी क्या है व्यक्तित्व मापन का एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है, एक मापन का यंत्र है, एक जो निर्धारण जो मापनी है उसके आधार पर क्या है हम आपके व्यक्तित्व का क्या है जांच कर सकते हैं, आपके व्यक्तित्व को जान सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की पर्सनैलिटी है और आप किस ढंग के व्यक्ति आप हो सकते हैं। इसी ढंग से रेटिंग स्केल में जो नेक्स्ट है वो है रैंक रेटिंग स्केल, क्रमिक निर्धारण मापनी। क्रमिक मापनी के अंतर्गत निर्धारक को व्यक्ति में उपस्थित किसी गुण विशेषता के संबंध में निर्णय नहीं देना होता है, वरन उनके गुणों अथवा उपगुणों को किसी व्यक्ति के संदर्भ में एक क्रम में निर्धारित करना होता है। निर्धारक पहले यह निर्णय करता है कि किसी व्यक्ति में सूचीबद्ध गुण किस मात्रा में उपस्थित है, तदुपरांत गुणों की मात्रा के आधार पर वह इन गुणों को एक क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है रैंकिंग में। जैसे कि इसके जो शब्द है उससे ही इटिमोलॉजिकल जो मीनिंग है उसी से क्लियर हो रहा है कि क्रमिक निर्धारण व्यक्ति के अंदर जो गुण है, जो उसकी विशेषताएं हैं, उन गुणों को हम यहां पर क्या कर रहे हैं इनके संबंध में हम निर्णय नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं हम निर्णय दे रहे हैं कि आपके अंदर ये गुण ज्यादा है, आपके अंदर ये गुण कम है, आपके अंदर ये गुण है या आपके अंदर ये गुण नहीं है, इस टाइप का हम क्या है कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं। देखिए आपके अंदर जो गुण विद्यमान है उन गुणों को हम क्या कर रहे हैं एक रैंक दे रहे हैं, एक क्रम दे रहे हैं, क्रम में हम क्या है उसको निर्धारित कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम यहां दे सकते हैं, ये पर्सनालिटी मेजरमेंट का एग्जाम्पल है रैंक रेटिंग स्केल का, और इसके जो निर्देश हैं ये है, व्यक्तित्व के 15 गुणों की एक सूची दी गई है, आप देखिए कि ये गुण आपके अमुक अध्यापक के संबंधित है और उस टीचर में ये किस सीमा तक है, गुणों की मात्रा के आधार पर आपको क्रम प्रदान करने हैं, उक्त व्यक्ति में जो गुण सर्वाधिक हो उसके आगे एक तथा सबसे कम गुण के आगे 5 की संख्या लिखनी है आपको। तो ये एक रैंकिंग रेटिंग स्केल का एक एग्जाम्पल है कि आपके सामने एक लिस्ट दी गई है, एक जो ट्रेड्स की जो लिस्ट है वो आपके सामने दी गई है। सपोज है हम ये मान करके चलते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर 15 गुण विद्यमान है और आपको उन 15 गुणों का निर्धारण करना है अपने कक्षा अध्यापक के लिए, आपके कक्षा अध्यापक है, आपके विषय के अध्यापक है, आप यहां पर उनका नाम लिख देंगे कि उनका फलाना जो अध्यापक है उनकी ये नाम है और ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन है।
अब आपके सामने एक लिस्ट है, गुणों की एक लिस्ट है, ट्रेट्स एक लिस्ट है आपके पास, उसको आपको रैंक करना है कि अमुक अध्यापक के अंतर्गत सपोज है प्रोफेसर अमुक है, उनके जो गुण है उनके अंदर 15 गुण विद्यमान है, ये 15 गुणों की एक लिस्ट है, उनके अंदर 15 गुण विद्यमान है, और आपको ये निर्धारित करना है कि आपके जो कक्षा अध्यापक है, आपके विषय के जो अध्यापक है, उनके अंदर सबसे ज्यादा गुण कौन सा है और सबसे कम गुण कौन सा है। गुणों की जो लिस्ट है इसमें सबसे पहले विनम्रता है, साहस है, बुद्धि है, शंकालु है, नैतिकता है, अनुशासन प्रिय है, स्वस्थ है, परोपकारी है, अध्येता है, सज्जनता उनके अंदर है, समय की पाबंदी है, न्यायप्रिय है, सहयोगी है, ईमानदार है और कर्तव्य परायण है। अब आपको लग रहा है कि आपके जो कक्षा अध्यापक है जिनके गुणों के बारे में आप रैंकिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके जो गुरुजी हैं, आपके जो अध्यापक है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, अपने विषय के मर्मज्ञ है, विषय के ज्ञाता है और वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए आप अगर वो इंटेलिजेंट है तो आप बुद्धि के आगे एक नंबर दे देंगे, उनको एक एक क्रम दे देंगे। और आपको ये लगता है वो बहुत ही समय के पाबंद है, पंक्चुअल है टाइम के, बिल्कुल समय पे, अगर 10 बजे उनकी क्लास है तो वो 9:55 पे क्लास पे होते हैं, समय के पाबंदी है उनके अंदर, तो आप इसको 2 नंबर देंगे। आपको लगता है कि वो बहुत ही अध्ययनशील है, अध्येता है, 3 नंबर आप इसको देंगे। आपको लगता है कि बहुत ही ईमानदार है, 4 नंबर देंगे। आपको लगता है कि वो बहुत ही मॉरली स्ट्रांग है, 5 नंबर देंगे। आपको लगता है वो बहुत हम्बल है, विनम्र है, आप 6 नंबर देंगे। आपको लगता है अनुशासन प्रिय है, 7 नंबर देंगे। और आपको सबसे कम लगता है, अगर ये लगता है कि हमारे जो कक्षा अध्यापक है वो कम परोपकारी है, तो 15वें नंबर पे आप परोपकार को रखेंगे। इस ढंग से हमारे पास क्लास में 100 बच्चे हैं, हमने 100 बच्चों से किसी अध्यापक के बारे में ये चेकलिस्ट प्राप्त कर ली, रैंकिंग इनकी प्राप्त कर ली है। 100 बच्चों ने जो अमुक अध्यापक है जिनके गुणों के बारे में हम क्या है रैंक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, 100 में से 90 बच्चों ने बुद्धि को 1 नंबर दिया है, तो सीधी सी बात है कि हमारे क्या है जो अमुक अध्यापक है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हमने इवेल्यूएशन कर लिया है कि वो अध्यापक क्या है बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसका दूसरे नंबर पर सबने पंक्चुअलिटी को दिया है, इसका मतलब वो क्या है बहुत ही पंक्चुअल है। तीसरे नंबर पर सब लोगों ने क्या है ऑनेस्टी को दिया है, तो वो क्या है बहुत ही ऑनेस्ट है। चौथे में सबने डिसिप्लिन को दिया है, इसका मतलब वो बहुत ही अनुशासन प्रिय है। तो ये रैंकिंग वाला है, रैंकिंग रेटिंग स्केल है, ये भी क्या है किसी व्यक्ति के, किसी अध्यापक के, किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है पर्सनालिटी को नापने का क्या है ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है। इसके आधार पर भी हम क्या है व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं। इसी ढंग से इन्वेंट्री जो परिसूची है, प्रश्नावली है, प्रश्नावली भी क्या है एक तरह का एक रेटिंग स्केल है, और इसके आधार पर भी हम क्या है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं परिसूची अथवा प्रश्नावली के द्वारा व्यक्ति अपने बाह्य व्यवहार के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। परिसूचियों अथवा प्रश्नावली के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने स्वयं के व्यक्तित्व के संबंध में सूचनाएं प्रदान करता है तथा उसके द्वारा प्रदत्त इन सूचनाओं के आधार पर मनोवैज्ञानिक उस व्यक्ति के व्यवहार का आंकलन करते हैं। परिसूची अथवा प्रश्नावली कथनों अथवा प्रश्नों का एक संकलन होता है जिन पर प्रत्युत्तर के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति अपने व्यवहार के संबंध में सूचना प्रदान करता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये क्या है कि व्यक्तित्व के बारे में अपने विचारों की क्या है एक अभिव्यक्ति है, इसको हम इन्वेंट्री कहते हैं और क्वेश्चनर कहते हैं, परिसूची प्रश्नावली। आगे आप देखिए एक एग्जाम्पल है व्यक्तित्व प्रश्नावली का, पर्सनालिटी क्वेश्चनर का एग्जाम्पल है। प्रश्नावली के द्वारा हम आपके व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताओं को जानना चाहते हैं, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और उत्तरों में से जो उत्तर आपके लिए ठीक प्रतीत होता है उसको सही का चिन्ह लगाएं। एक क्वेश्चनर आपके सामने रहता है, एक प्रश्नावली आपके सामने रहती है, उसमें बहुत सारे प्रश्न दिए रहते हैं, आपको उसके आगे उत्तर भी दिए हुए हैं, और जो भी उत्तर आपको लगता है कि ये उत्तर आपसे संबंधित है, आपसे मैच कर रहा है, आपके लिए अप्रोप्रिएट है, आप उस उत्तर को ही क्या है सही का टिक करें और जो नहीं है उसको आप क्या है गलत करें। ये इंफॉर्मेशन आपको देनी है। आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं, ये प्रश्न है, ये प्रश्नावली है, ये क्वेश्चनर दिया गया है और इसमें भी 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन दिए रहते हैं और जो उत्तर है उत्तर सामने दिए हुए हैं, उत्तर के लिए आपके पास ऑप्शन है, आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है मैं सफलताओं से निराश हो जाता हूं,
मैं असफलताओं से निराश हो जाता हूं। पहला प्रश्न है कि एक आपकी क्वालिटी के बारे में इसको जो ना एसेस किया जा रहा है कि मैं असफलताओं से निराश हो जाता हूं। अगर आपको लगता है कि अगर आप कहीं पे जो ना फेलियर हो रहे हैं और आप उससे निराश हो जा रहे हैं, आप प्रायः आपके साथ ऐसा होता है, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है और आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं होता है। सपोज है आप कभी कभी असफलताओं से निराश हो जाते हैं तो आप कभी कभी पे सही का निशान लगा सकते हैं। और अगर आप अक्सर जब भी आप फेल होते हैं तभी आप क्या है निराश होते हैं तो आप प्रायो को टिक कर सकते हैं। और आप कभी भी असफलताओं से आप कभी निराश नहीं होते हैं तो आप कभी नहीं पे टिक कर सकते। इसी ढंग से दूसरा क्वेश्चन है, मुझे शास्त्रीय संगीत अधिक पसंद है। आपको शास्त्रीय संगीत अधिक पसंद है? हाँ, अगर आपको पसंद है तो आप वहां पे, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं पे टिक नहीं सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप कि आपको पसंद है या नहीं है तो आप अनिश्चित पे आप उसको टिक कर सकते हैं। बहुत सी बातों में से स्वयं को परिपक्व समझता हूं, मुझे लगता है कि कई बार जो भी बातें आती हैं उन बातों के आधार पर मुझे लगता है कि मैं क्या हूं, बहुत मेच्योर हूं, बहुत परिपक्व हूं। कि अगर सही आपको लगता है तो ठीक है, गलत लगता है तो ये गलत है, और आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि ये सही है या गलत है तो मालूम नहीं ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं और एक क्वेश्चनियर होता है, एक प्रश्नावली होती है और उनके उत्तर के आपके पास क्या है ऑप्शंस दिए रहते हैं। इन ऑप्शन के आधार पर आप इनका निर्धारण कर सकते हैं कि आगे प्रश्न है। तो जो उत्तर हमको प्राप्त होते हैं 100 प्रश्न है, आपने अपने उत्तरों के ऑप्शंस दिए हैं, जो भी उत्तर हमारे को प्राप्त होते हैं उनके आधार पर मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट क्या है आपके व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं। उनको ये पता चल जाएगा कि आप किस टाइप के व्यक्ति है, क्योंकि प्रश्न की जो एक सीरीज है 100 प्रश्न इसमें दिए गए, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चनियर तैयार किया गया है, हम आपके अंदर किस तरह के गुणों को जानना चाह रहे हैं, हम किस तरह के गुणों को पहचानना चाह रहे हैं, तो उसके आधार पर हम क्या है आपके व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं। तो क्वेश्चनियर भी क्या है एक आधार है जिसके आधार पर हम क्या है आपके व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं। और इस तरह से आज का जो हमारा डिस्कशन है, आपने देखा कि हमने विशेषकर जो चेकलिस्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो टूल्स थे हमने देखा, जैसे कि जो ना पर्सनैलिटी को जो मापन करने के हैं 3 तरह के जो टूल है, एक हमारे पहले थे सब्जेक्टिव टाइप के, दूसरे ऑब्जेक्टिव टाइप के और तीसरे प्रोजेक्टिव टाइप के। तो जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी सबसे ज्यादा रहती है, उनमें जो मेन रहते हैं वो रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। और ऑब्जेक्टिव टाइप में हमने आज जो डिस्कशन किया है वो विशेषकर रेटिंग स्केल्स, क्योंकि सबसे बेस्ट टूल माना जाता है जिसके आधार पर कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को भली भांति जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आज हमने जो डिस्कशन किया वो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो रेटिंग स्केल्स थे उसके जो डिफरेंट टाइप है, चाहे वो चेकलिस्ट है, चाहे वो रैंकिंग है, चाहे वो रेटिंग है, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक सुना।